नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेप विक्टिम बोली, हाँ मैंने झूठ कहा। भास्कर से बोली पूरा सच, पुलिस मैडम को बताऊंगी। मकान मालिक ने कैसे किया इस्तेमाल। डबरा में 29 जनवरी को 15 साल की लड़की से रेप की घटना हुई ही नहीं, उसे सुसाइड के मकसद से पुलिया से नीचे छलांग लगाई थी। दैनिक भास्कर से बात करने के दौरान उसने खुद ये बात कबूल की है। उसने ये भी बताया कि मकान मालिक दामोदर के कहने पर उसने झूठी कहानी रची। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी खुलासा हुआ है कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस ने पुलिया के पास उस वक्त प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए। उन्होंने भी कहा कि बच्ची के साथ उस वक्त कोई नहीं था, वो अकेली थी। पीड़िता ने झूठ क्यों बोला, मकान मालिक ने उसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा, क्या थी इसकी वजह। पीड़ित बच्चों के साथ उसकी माँ से भी बात की और पुलिस की जांच को भी समझा। 29 जनवरी का घटनाक्रम जो पीड़िता ने पुलिस को बताया था, 29 जनवरी की सुबह 7 बजे मैं कोचिंग के लिए निकली थी। आधे रास्ते पर पहुंची ही थी कि मुझे बॉबी मिला। उसने मुझे बुलाया, बोला कि जरूर बात करनी है। मैंने मना कर दिया, कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो, कोचिंग के लिए देर हो रही है। उसने कहा 5 मिनट के लिए चली आओ, उसके बाद कोचिंग चली जाना। मैं नहीं मानी तो वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर दूसरे लड़के के पास ले गया। वो लड़का काली रंग की बाइक पर बैठा हुआ था। इस लड़के को मैं नहीं जानती थी, बस इतना याद है कि बॉबी उसे सत्येंद्र कहकर बुला रहा था। बॉबी मुझे ज़बरदस्ती उसकी बाइक पर बैठाने लगा। सुबह के वक्त कोहरा ज़्यादा था, आसपास कोई मौजूद नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं चिल्लाने लगी, बॉबी ने फौरन मेरा मुंह दबाकर बाइक पर बैठा दिया। इसके बाद वो दोनों मुझे सहराई पुल पर ले गए। बॉबी मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। उसने मुझसे कहा मान जाओ नहीं तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, और सत्येंद्र ने जबरन मेरे साथ गलत काम किया। मैं जोर से चिल्लाने लगी तो बॉबी ने सत्येंद्र से कहा ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर दोनों ने मिलकर मुझे पुल पर से फेंक दिया। 31 जनवरी को होश आया तो मैंने पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बॉबी और सत्येंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस केस की जांच करने वाले डबरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल को जांच में पीड़िता और चश्मदीदों के बयान विरोधाभासी नजर आए। पुलिस ने 3 पॉइंट पर जांच की, पहले आरोपियों से पूछताछ की, दूसरा सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आखिर में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बॉबी को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो सत्येंद्र को नहीं जानता। उसने ये भी कहा कि घटना वाले दिन सुबह 8 से 10 बजे तक वो कोचिंग क्लास में था। बॉबी 12वीं कक्षा का छात्र है। कोचिंग संचालक प्रसन्न देव ने बॉबी के इस बयान की पुष्टि की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।